लोन पर नीट अपर एज लिमिट केस में आज सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई और हियरिंग के बाद तीनों ही जजेस हमारे फेवर में थे और तीनों जजेस ने अल्टीमेटली डिसीजन हमारे तरफ से तीनों एडवोकेट्स थे, एडवोकेट राजू रामचंद्रन जी थे, संजय हेगड़े थे और एडवोकेट जोएब सर भी थे, तीनों ने आर्ग्यूमेंट किया और जजेस पूरी तरह से कन्विंस हैं। हालांकि एमसीआई ने भी अपनी तरफ से आर्ग्यूमेंट्स दिए, अल्टीमेटली केस पूरी तरह से हमारे फेवर में आ गया है और सभी बच्चों को जो एज लिमिट केस से अफेक्टेड थे, 25 प्लस स्टूडेंट्स जो भी थे, उनको फॉर्म भरने की परमिशन दे दी गई है और मोस्ट प्रॉब्ली एग्जाम देने की परमिशन भी मिल गई है। और इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स शाम तक जब ऑर्डर आ जाएगा तब मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल जो 30th यानी कल जो लास्ट डेट थी नवंबर में फॉर्म भरने की, उसको 1 वीक के लिए, 1 सप्ताह के लिए हमने एक्सटेंड करवा दिया है और अभी 1 सप्ताह और नीट के फॉर्म भरे जा सकते हैं एज लिमिट वाले कैंडिडेट्स के लिए। और आप सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं और आप सभी लोग एग्ज़ाम की तैयारी करें और पूरे जोरों शोरों से तैयारी करें। मैंने आपसे पहले भी वादा किया है सारे केसेस जो भी हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, हम उनको सबको जीतेंगे और हाईकोर्ट वाले हम जीत ही चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में कोई भी चैलेंज कैसे भी आएगा, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, ना NIOS वालों को, ना एडिशनल बायोलॉजी वालों को और ना ही एज लिमिट वालों को। आप सब एग्ज़ाम देंगे और ना सिर्फ एग्ज़ाम देंगे बल्कि इस साल आप सब लोग मेडिकल कॉलेज में भी जाएंगे और खास तौर पे एज लिमिट का जो केस पिछले साल से पेंडिंग चला आ रहा था, अभी तक इसमें कोई हम लोग किसी फाइनल डिसीजन पे नहीं पहुंच पाए, इसके लिए अगली डेट जनवरी में है और जनवरी में मोस्ट प्रॉब्ली इसका डिसीजन आ जाएगा ताकि आप रिलैक्स होकर एग्ज़ाम दे सकें। और नेक्स्ट डेट जिसने जनवरी के लिए बोली है, बाकी सारी डिटेल्स मैं आपको जब शाम को कोर्ट के ऑर्डर्स आ जाएंगे उसके बाद बताऊँगा। फिलहाल अभी के लिए हमारी एक ही विक्ट्री है, आप सब लोगों को जो उनको फॉर्म भरने से रोका गया था अब आप सब फॉर्म भर सकते हैं और हमने 1 वीक का एक्सटेंशन ले लिया है नीट की जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट थी उसमें, अब 30 नवंबर की जगह 1 वीक एक्स्ट्रा यानी 1 सप्ताह और आप लोगों को मिलेगा। तो वंस अगेन माय थैंक्स टू ऑल माय वॉलंटियर्स, स्पेशली कार्तिकेय जो ऑन ग्राउंड मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, इसके अलावा सारे एडवोकेट्स हमारे और हमारी लीगल टीम और आप सभी का सपोर्ट। मैं अपने वादे पे हम लोग काम कर रहे हैं और मैं साइलेंटली काम कर रहा हूँ। आज जजेस ने एक आर्ग्यूमेंट के दौरान पूछा भी, जब MCI ने कहा कि मुश्किल से आप लोग कह रहे हैं कि बच्चे कंपटीशन बढ़ा रहे हैं एज लिमिट वाले, तो कितने से बच्चे हैं, तो डेटा वहाँ पे रखा गया कि 13 लाख बच्चे जिन्होंने अब तक फॉर्म भरा था उसमें से सिर्फ 7,000 बच्चे ही एज लिमिट वाले हैं। तो इस तरह से किसी भी तरह के किसी भी आर्ग्यूमेंट में ठहर नहीं पा रही है MCI या गवर्नमेंट, और आप चिंता मत कीजिए, जो भी सच होगा इंसाफ होगा आप सबके साथ, बस पढ़ाई करते रहिए, सच की जीत होगी, सत्यमेव जयते हमारा हमेशा से कहना है और इस केस को हम अंततः जीत तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आप लोगों को जो फॉर्म भरने से रोका गया था वो हमने अलाउ करवा लिया है और ये भी एक विक्ट्री है। सो बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल, पढ़ाई करते रहिए, बाकी मैं डिटेल्स के साथ आपको पोस्ट में मिलूंगा। गुड लक।